दोस्तों ये देखिए हमारे हाथ में एक ये सीएफएल है और इसका ग्लास टूट गया है, जिसे हम लोग ट्यूब बोलते हैं। ये ट्यूब भी टूट गई है, तो इसको किस तरीके से रिपेयर करना है इसको अभी हम आपको बताएंगे, तो आप देखिए। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे खेती किसानी एंड इलेक्ट्रॉनिक टिप्स चैनल में। तो अभी बताएंगे इसके बारे में, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो दोस्तों जो सीएफएल होती है 15 वाट की या 27 वाट या 20 वाट जो भी होती है, तो मेरे हाथ में देखिए 20 वाट की सीएफएल है, 3U है। तो इसकी ट्यूब टूट गई है, तो इसको रिपेयर करना है, कैसे करना है ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बनाएंगे। दोस्तों वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा तो आप आसानी से घर पर इसे ट्यूब को बदल सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ये देखिए ट्यूब को मैंने खोल दिया है और इसके अंदर सीमेंट वगैरह होता है, हम दूसरी बार ये रिपेयर कर रहे हैं। तो आप फर्स्ट टाइम रिपेयर करेंगे तो इसके अंदर सीमेंट लगा होगा, तो उसे आप पेचकस वगैरह से इसे छुड़ा दें और ट्यूब को तोड़ के अलग कर दें, क्योंकि ट्यूब तो टूटी हुई बेकार होगी। तो ये देखिए सफ़ेद सफ़ेद ये जो सीमेंट लगा हुआ है, ये सीमेंट आप इसे बिल्कुल निकाल देंगे, निकालने के बाद साफ़ कर लेंगे धीरे धीरे बहुत अच्छी तरीके से। और उसके बाद जो टूटी हुई ट्यूब होगी उसको भी निकाल देंगे, ये वायर लगे हुए हैं इनको काट के निकाल देंगे। तो इसमें स्लिप वगैरह पड़ी होती है वायर में, लेकिन मैंने नहीं डाली थी, ऐसे अलग अलग कर दिया था। तो आपको स्लिप मिलेगी, आप वो स्लिप निकाल के रख लीजिएगा और जब दूसरी ट्यूब लगाएंगे तो आपको उसमें जो तो उसमें आपको पड़ी हुई मिलेंगी, तो वो स्लिप आप निकाल के रख लेंगे, अगली ट्यूब में डालने काम आएंगे। तो ये देखिए मैंने कैचेस काट दिया है, उसके बाद ये आयरन से शोल्डर से धीरे धीरे इसे हटा देंगे आयरन से। तो ये साफ़ कर लेंगे प्रिंट, और इसमें एक प्रिंट थोड़ा टूट गया था, थोड़ा ऊपर करके जोड़ दिया था। तो ये देखिए टूटी थ्री ये जो ट्यूब है ये बिल्कुल बेकार हो गई है, गिर गई थी तो ये ट्यूब फूट गई थी। तो ये देखिए बिल्कुल अलग है। तो अभी हम आपको एक नई ट्यूब दिखाएंगे और वो इसमें लगा के भी दिखाएंगे और ट्यूब या सीएफएल को जला के भी दिखाएंगे। तो ये इसकी जो कैप है ऊपर वाली, इसी में लगाते हैं सीएफएल की ट्यूब को। तो देखिए आप इसे सीमेंट को अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना, बस इतना ध्यान रखना है। और ये सीमेंट को साफ़ करेंगे तो तभी सही से लग पाएगी, नहीं तो ट्यूब टूट जाएगी। ये देखिए नई ट्यूब है, बिल्कुल 3U न्यू ट्यूब है। ये आपको इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे मिल जाएगी, जहाँ पे सीएफएल वगैरह लोग रिपेयरिंग करते हैं, बनाते हैं, तो वहाँ आप बोल दीजिएगा 3U हो तो 3U बोल दीजिए, 2U हो तो 2U बोल दीजिएगा, तो आपको सीएफएल की ये ट्यूब मिल जाएगी आसानी से। जिस प्रकार होगी हर तरीके की आपको मार्केट में ये मिल जाएगी, बहुत ज़्यादा मिलेगी, ये 30 या 35 रुपये की, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। तो इसमें देखिए 4 वायर होते हैं, ध्यान से देखिए 4 वायर होते हैं। इन वायरों के ऊपर जो इंसुलेशन होता है उसको थोड़ा सा इसे हम साफ़ कर लेंगे, क्योंकि टांका लगाने में आसानी रहेगी। तो इसे थोड़ा थोड़ा सा कैंची या ब्लेड वगैरह से या रेग माल से किसी चीज़ से थोड़ा थोड़ा इसे साफ़ कर देंगे तो वायर साफ़ हो जाएगा, इंसुलेशन जो इसके ऊपर होगा वो हट जाएगा, तो टांका हमारा बिल्कुल एकदम से सही तरीके से लग जाएगा। तो थोड़ा घुमा घुमा के भी इन वायरों को साफ़ कर लेते हैं इस तरीके से। वायर अगर ज़्यादा बड़े हों थोड़ा सा आप कैंची से काट दीजिएगा, मैंने थोड़ा थोड़ा काट दिया था, वायर काफ़ी लंबे थे इनके ये। अब ये देखिए इसकी कैप है, और बस कैप में जब लगाना है तो बस थोड़ा सा इसी चीज़ का ध्यान देना है कि कैप में अगर आसानी से लगे तभी लगाइएगा, अगर ना आ रही हो तो आप ज़बरदस्ती मत लगाइएगा, नहीं तो ट्यूब जो है टूट जाएगी, क्योंकि ट्यूब ये कांच की होती है, बहुत ही नाजुक होती है। तो देखिए हम जिस तरीके से लगा रहे हैं इसी तरीके से, देखिए मैंने लगाया आराम से आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी तरीके से आप इसे फिट करेंगे, लेकिन ये अभी लूज है तो इसके लिए क्या करेंगे, आप देखिए कि इसमें गत्ता ये कागज़ जो होता है बहुत हल्का सा गत्ता वगैरह होता है, उसको काट के साइड से लगाएंगे, और लगाने के बाद इसको जोड़ेंगे फिर। तो ये देखिए हमारे पास एक गत्ता है महीन पतला वाला, और इसको कैंची से पतला सा काट लेते हैं, थोड़ा सा पतला पतला इसे काट लेते हैं, फिर उसके बाद इसे थोड़ा आइडिया लेके ये जो ट्यूब की ट्यूब है इन्हीं में 2-3 ट्यूब हम लगा देना है, जिससे हम इसे फेविकोल या एल्फी वगैरह जो चीज़ किसी चीज़ से भी हम जोड़ेंगे तो बढ़िया तरीके से जुड़ जाएगा, क्योंकि उस चीज़ से तो फेविकोल से तो बहुत जल्दी लगाते हैं तुरंत ही चिपक जाता है बिल्कुल। तो इस तरीके से देखिए थोड़ा थोड़ा इसे धीरे धीरे पेचकस वगैरह टेस्टर वगैरह से धीरे धीरे अंदर बढ़ा देंगे, तो ये इससे बिल्कुल अच्छे तरीके से टच हो जाएगा, टच हो जाएगा। तो थोड़ा बस ट्यूब को इसके हिसाब से सीधा भी रखना है, थोड़ा दाएं बाएं तिरछी ना हो, तिरछी लगा के जोड़ देंगे तो ट्यूब तिरछी जुड़ जाएगी। तो देखिए मैंने इस तरीके से लगा दिया है, एक साइड में इधर देखिए काफ़ी सांस ऐसी दिख रही है, इसमें जगह है, तो यहाँ पे भी लगा देंगे।
इसे आप आसानी से घर पे आराम से रिपेयर कर सकते हैं। ट्यूब ला के सीएफएल काफ़ी महंगी भी आती हैं, तो इसे आप बहुत सस्ते पैसे में कम खर्च में आप इसे आराम से रिपेयर कर सकते हैं और जला भी सकते हैं। सेम जैसे जल रही थी वैसे ही फिर जलने लगेगी क्योंकि ट्यूब ख़राब है, तो ट्यूब हम इसे बदल देंगे और हमारी ट्यूब ये फिर दोबारा से जलने लगेगी। तो देखिए इस तरीके से थोड़ा थोड़ा से इस कागज़ को बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा इधर ओवर हो गया तो इसे पीछे थोड़ा थोड़ा बढ़ा देते हैं। इसी तरीके से इसे सेट कर लेना है। अब ये देखिए सेट हो गया है और ये बिल्कुल फिट हो गई है इसमें। अब इसमें फिट करने के बाद अब हम इसको जाम कर देंगे, चिपका देंगे। तो ये देखिए हमारे पास ये जोड़ने का जो क्या कहते हैं फेविक्विक है, इस फेविक्विक से हम जोड़ देंगे, इसे लगाएंगे तुरंत ही जाम हो जाएगा इससे। देखिए बस थोड़ा सीधा करके दो दो बूंद डाल देंगे चारों तरफ, तो ये ट्यूब हमारी जो है बिल्कुल इससे चिपक जाएगी अच्छे तरीके से, फिर नहीं निकलेगी। तो इसी तरीके से हमें ट्यूब को जाम कर देना है। तो देखिए इसमें फेविक्विक डाल दिया है, ये फेविक्विक या एल्फी वगैरह किसी चीज़ से भी आप जोड़ सकते हैं, ये तो तुरंत ही जाम कर देता है। तो ये देखिए जाम हो गई है बिल्कुल ट्यूब। अब इसके बाद जो है ये जो हमारे इसमें वायर लगे हुए हैं, जो ट्यूब के चार वायर हैं, इसमें स्लिप वगैरह डाल देंगे जिससे कि थोड़ा आपस में टच ना हो। वैसे ऐसे भी लगा सकते हैं लेकिन थोड़ा टच होने का खतरा बना रहता है। अगर ऐसे लगाएं दाएं बाएं दूर रखें, नहीं तो आप पुरानी जो ट्यूब निकालेंगे उसे तोड़ेंगे जो बेकार वाली होगी उसमें चार स्लिपें पड़ी होंगी, तो आप चार स्लिपें डाल सकते हैं, नहीं तो आप दो स्लिपें ज़रूर डालें क्योंकि दो स्लिपें पड़ेंगी एक एक में डाल देंगे तो आपस में टच हो जाएगी तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब ये देखिए ये हमारा सर्किट है, इसमें दो पॉइंट हैं, एक ये दो, ठीक है, और उसके बाद दो ये हो गए, एक उधर वाला, एक तीन, और एक इधर वाला। ये जो आपको टूटा हुआ दिख रहा है इसका प्रिंट ऊपर है मेरे अंगूठे के पास, तो यहाँ पे आप देखिए ये अभी दिखा रहे ये अंगूठे के पास ये प्रिंट है, तो इस प्रिंट पे जोड़ देंगे। क्यों, बात वही है, सप्लाई यहाँ से यहाँ तक ये प्रिंट आया था लेकिन ये प्रिंट उखड़ गया, तो हम यहाँ पे जोड़ देंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस कनेक्शन ही देना है, तो यहीं इसी प्रिंट पे जोड़ेंगे। ये प्रिंट थोड़ा सा लूज था लेकिन वो निकल गया, तो चारों वायर जैसे लगे थे उसी तरीके से फिर लगाएंगे। दोबारा रिपेयर कर रहे हैं सीएफएल, इसलिए इसमें सीमेंट भी नहीं था, इसके जो कैप थी उसमें। तो ये देखिए हमारे पास ये आयरन है और इस आयरन से हम इसके प्रिंट को साफ़ करेंगे, फिर उसके बाद ट्यूब के जो वायर हैं उसको साफ़ करेंगे, उस पर सोल्डरिंग करेंगे, उसके बाद हम ये जो सर्किट है इस सर्किट को इससे जोड़ देंगे, बढ़िया करके जोड़ देंगे, तो ये हमारा सर्किट चालू हो जाएगा और सीएफएल जलने लगेगी। तो थोड़ा आयरन ये गर्म हो जाने दें, एक दो मिनट लगेगा इसे गर्म होने में। ये देखिए मेरे पास सोल्डर है, पेस्ट भी है और ये आयरन है, देख लेते हैं, हाँ गर्म तो हो रहा है। चलिए एक मिनट थोड़ा अभी लगा रहने देते हैं, फिर गर्म हो जाएगा, ये बहुत जल्दी गर्म हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक आयरन ये। तो अगले वीडियो में आपको बताएंगे इस सर्किट को कैसे रिपेयर करना है, इसमें इस बार आपको हम ट्यूब के बारे में बता रहे हैं, ट्यूब को कैसे बदलना है। तो देखिए ये आयरन गर्म हो गया है, सोल्डर पिघलने लगा है, तो दोस्तों वीडियो बहुत ध्यान से देखिए आप और आसानी से जो भी आपके घर में सीएफएल पड़ी हुई है आप सारी सीएफएल को रिपेयर कर सकते हैं। बस मार्केट से आपको ट्यूब लानी होगी और ये भी काफ़ी सस्ती आती है, महंगी नहीं आती है, तो आप अपनी सारी सीएफएल रिपेयर कर सकते हैं जो भी ट्यूब वगैरह टूट गई हैं। तो देखिए मैंने ये प्रिंट को साफ़ कर लिया है, चारों प्रिंट को अच्छी तरीके से भलीभांति साफ़ कर दिया है, जो अभी कैंची से काटे थे वायर तो वो वायर इसमें लगे हुए थे, वैसे चाहते तो आयरन से भी हम डायरेक्ट हटा सकते थे लेकिन मैंने कैंची से काट दिया था, तो आप चाहें डायरेक्ट आयरन गर्म करके पहले से आयरन से भी हटा सकते हैं, डायरेक्ट जोड़ भी सकते हैं। तो देखिए ये जो चार वायर हैं इनमें पेस्ट लगा लिया, साफ़ तो पहले कर लिया था, अब सोल्डर लगा के थोड़ा सा इसे साफ़ कर देंगे बढ़िया करके, इस पर भी सोल्डरिंग कर देंगे, तो ये जो सोल्डरिंग हो जाएगी वायर पे तो एकदम टाँका लग जाएगा, टाँका बार बार हिलेगा नहीं तो जाम हो जाएगा टाँका। इस तरीके से ये जो हमारे कापर के जो वायर होते हैं इनमें सोल्डरिंग कर दी है। अब
इस ट्यूब को इस सर्किट से जोड़ना है, लाइन से वायर लगाने हैं। देखिए आप, कनेक्शन इसी तरीके से करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चार वायर हैं। तो ये वाली ट्यूब के दो वायर हैं तो इसको लगा देना है। देखिए मैंने इस पर लगा दिया है दो, ये एक एक स्लिप डाल दी है दोनों में, जिससे कि आपस में टच ना हो। देखिए एक दो तीन चार, ठीक है, इसी तरीके से कनेक्शन कर देना है। सेम जैसे आप कनेक्शन हटाएं वैसे आप ट्यूब के कनेक्शन कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे ट्यूब पहले जलती थी वैसे ट्यूब फिर जलने लगेगी। तो देखिए इस तरीके से कनेक्शन हो गए हैं। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से ट्यूब को, फूटी हुई ट्यूब को निकालना है और नई ट्यूब को किस तरीके से लगाना है। तो सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में दिखाई हैं। अब क्या करना है, इसको बहुत सर्किट को थोड़ा सा अंदर बढ़ा के, जो अंदर इसके कैपेसिटर होता है उसको सीधा करने के बाद बढ़ा के और इस ढक्कन को बहुत प्यार से लगा देना है। देखिए इसी तरीके से दबाना है, ट्यूब को बिल्कुल नहीं छूना है, ट्यूब को प्रेस भी नहीं करना है, क्योंकि ट्यूब तो बहुत नाजुक होती है, टूट बहुत जल्दी जाती है। जैसे हम इस तरीके से हाथ से दबा रहे हैं, इसी तरीके से आप हाथ से दबाएँ और इसको फिट कर दें। खोलने के लिए आप पेचकस का सहारा ले सकते हैं या हल्के से प्लास से भी उल्टा करके दबा सकते हैं। तो ये देखिए ये होल्डर है, इस पर हम लगाते हैं फिर आपको जला के दिखाते हैं। देखिए देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल वैसे जलने लगी जैसे पहले जल रही थी, फिर आपको आना करके दिखा रहे हैं। तो दोस्तों ये वीडियो हमारा पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।